डी स्टूडेंट्स द टॉपिक विच वी आर नाउ डिस्कसिंग इज अबाउट हैजर्ड अट प्रिवेंशन एंड कंट्रोल इन दिस केस वी हैव टू डिस्कस अबाउट रिलेशनशिप ऑफ डोजिज एंड रिस्पॉन्स रिलेशनशिप ऑफ डोजिज एंड रिस्पॉन्स का ये मतलब है यहाँ पे कि इंसान की जो बॉडी है उसके वेट के अतबार से हमने डोज साइज रिकमेंड करना है फिर उसका इम्पेक्ट देखना है फॉर एग्जाम्पल अमाउंट पर यूनिट ऑफ बॉडी वेट माउंट पर बॉडी सरफेस और अमाउंट पर यूनिट ऑफ वॉलीम ऑफ एयर ब्रेड इन चीज़ों को जब देखा जाता है तो हमें आइडिया होता है कि द डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप में बी एक्सप्रेस मैथमेटिकली एज फॉलोज सी इन टू टी इज इक्वल टू के सी स्टैंड फॉर कंसनट्रेशन टी स्टैंड फॉर ड्यूरेशन टाइम ऑफ एक्सपोजर एंड के स्टैंड फॉर कॉन्सटेंट सी को हम टी से मल्टीप्लाई करते हैं तो कांस्टेंट इसका जो रिजल्ट निकलता है इसको हम लोग रिलेशनशिप ऑफ डोज एंड रिस्पॉन्स बोलते हैं रिलेशनशिप ऑफ डोजिज एंड रिस्पॉन्ज हैज थ्री इंपॉर्टेंट वन डोज थ्रश होल्ड नंबर टू लिथल डोज एंड लास्ट लिथल कंसनट्रेशन अब ये तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट्स है इसका ये मतलब है कि हमें मालूम होना चाहिए कि जो डोज किसी को दी जा रही है वो उसका फ्लैश लेवल क्या है मिनिमम अमाउंट कितनी है बॉडी साइज़ क्या है बॉडी वेट कितना है उस हिसाब से हम इन चीज़ों को यूज़ करते हैं एयर एयरबोर्न एयर एयरबोर्न कंटेमिनट्स ये वो अज्जा हैं बेसिकली जो कि एयर एयरबोर्न अफजा में मौजूद रहते हैं जिनको जानना समझना अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है वो दर्ज जैल हैं नंबर वन डस्ट्स या पार्टिकल्स ऑफ डस्ट्स नंबर टू फ्यूम्स थ्री स्मोक एरोसोल्स मिस्ट्स गैसेस एंड वेपोर्स ये जितने भी हैं ये एयरबोर्न कंटेमिनेंट्स हैं ये भी इंसान के लिए इम्प्लाई के लिए हैजर्ड अट्स में आता है इनको देखना कवर करना रिकवर करना मैनेज करना इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल सुपरवाइजर्स एयरबोर्न कंटेमिनेंट्स की ये डायग्राम है डी स्टूडेंट्स फिगर देखें डस्ट फ्यूम्स स्मोक एरोसोल्स मिस्ट्स गैसेज वेपोर्स वट आर दीज दीज आर एयरबोर्न कंटामिन ये कॉमन कंटोमिनट्स हैं कंटेमिनेट्स हैं जो कि अक्सर एयरबोर्न में पाई जाती हैं और इनको देखना समझना एनालाइज करना फिर उनको कंट्रोल करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये अब डी ए स्टूडेंट्स इफेक्ट्स ऑफ एयरबोर्न टॉक्सिक्स क्या हैं एयरबोर्न टॉक्सिक्सटांसिस आर आल्सो क्लासीफाइड अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ इफेक्ट दे हैव ऑन द बॉडी कैसे द प्राइमरी क्लासीफिकेशन इन फिगर ट्वेंटी

इनकी वजह से ये चीज़ें पैदा होती हैं अगर एयर बोर्न एबसिस को एनालाइज किया जाए असेस किया जाए फिर उनको कंट्रोल किया जाए तो काफ़ी हद तक हम इनसे बच सकते हैं डी स्टूडेंट्स वी आर डिस्कसिंग इफेक्ट्स ऑफ कार्सिनोजेंस ये बेसिकली कार्सिनोजेंस भी हमारे लिए हैजर्ड असेसमेंट में आता है और इसको हमने देखना असेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है आ कॉलनी जो इज़ आ सब्सटेंस दैट कैन काज आ मेलाइन ट्यूमर्स आर न्यूप्लास्टिक्स ग्रोथ इसका ये मतलब है कि इंसान की बॉडी के अंदर अगर कोई अन इंटेंशनल या विदाउट कंसिडरिंग एनीथिंग ग्रोथ होना शुरू हो जाए किसी चीज की जो कि बाद में ट्यूमर बन सकता है और ये अगली स्टेज पर जाके ज़्यादा प्रॉब्लम का बायस बन सकता है ये तमाम चीज़ों को स्टार्ट में ही स्नब करना चाहिए एसबीटोस एसबेस्टोज वॉज वंस थाट टू बी अ मारे कल बिकॉज ऑफ इट्स मैनी यूजफुल करेक्ट्रिस्टिक्स इंक्लूडिंग फायर हीट मैकेनिकल मकैनिकल्थ एंड फ्लैक्सीबिलिटी ये बेसिकली है क्या ये बेसिकली अगर देखा जाए तो ये वाइडली यूज केमिकल था जो कि कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन बिटवीन 1900 एंड मिड 1970 में ये, ये यूज़ होता रहा है और ये जो हैज़ड्स हैं इनकी मदद से इम्प्लॉइज़ को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा अब वो जो इंप्लाइज़ हैं वो इनको कंट्रोल करके काफ़ी हद तक हैज़ड असमेंट प्रवेंशन एंड कंट्रोल की मदद से इन चीज़ों को रिकवर कर रहे हैं एसबेस्टोज हैज़रस हस्टारिकल परस्पेक्टिव नाइनटीन हंड्रेड नाइनटीन थर्टीज फोटी सिक्सटी सेवनटी नाइन नाइनटीन एटी नाइन ये जो तकरीबन वन हंड्रेड ईयर्स बनते हैं जो कि एक सेंचुरी बनती है ये हिस्टोरिकल प्रस्पेक्टिव है डीयर स्टूडेंट्स जो आपके लिए हमने ड्रा किया है अगर आप इनको गौर से देखें तो इसमें काफ़ी हद तक इंप्रूवमेंट्स और बेहतरी आ चुकी है एसबेस्टोज हैज़र्ड्स को अगर देखा जाए ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एसोसिएशन के हवाले से तो ये बेसिकली एस्टैबलिश एन एक्सपोजर फ्रेश होल्ड नोन एज द परमिजिबल एक्सपोजर ये जो परमिजिबल एक्सपोजर है वो क्या है इसमें बेसिकली अगर देखा जाए तो ये बताया गया है कि फ़जा के अंदर हवा के अंदर जो पर क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ एयर फॉर एन एट और टाइम वेटेज है वो जीरो पॉइंट वन फाइबर है अब ये जो एस इस ज़ीरो पॉइंट वन फाइबर पर क्यूबिक है अगर इससे इसकी मकदार कम या ज़्यादा होगी वो हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक है तो यहाँ पे ये देखा गया है कि इन चीज़ों को जज करने के लिए हमें गाइडलाइन कहाँ से रिक्वायर्ड है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एसोसिएशन से रिक्वायर्ड हैं अगर आप उनको फॉलो करेंगे तो काफ़ी हद हाँ तक आप हैजर्ड्स असमेंट प्रवेंशन एंड कंट्रोल को मैनेज करने में कामयाब हो जाएंगे